नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। खबर है कि महाथक सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में ईडी ने अभिनेत्री की 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर दी है। हाल ही में ईडी ने 5 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले 215 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में ठग को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बाला साहेब ठाकरे को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया है। राउत ने कहा है कि उनको बाला साहेब जी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा के नाम पर आप राजनीति कर देश को बांटने और महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और हम आपसे लड़ रहे हैं, ये देखकर बाला साहेब जरूर खुश होंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज में लगभग 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा एक पुल मामूली आंधी तूफान का भी सामना नहीं कर पाया और धराशाही हो गया। आगबानी पुल शुक्रवार को धराशाही हो गया। इस हादसे के कारण जानमाल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो पुल का ढांचा गिरने के दौरान कई लोगों की जान बच गई है। घटना पर सुल्तानगंज के विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल का कहना है कि मुख्यमंत्री को सूचित कर दिया गया है, मामले की जाँच होगी। पीटीआई भाषा के अनुसार जनरल मनोज पांडे ने नए थल सेना प्रमुख के तौर पर पदभार संभाल लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू 1 मई 2022 को पद ग्रहण करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राजू वर्तमान में डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की कमान संभाल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजू सेना कमांडर नहीं होने के बावजूद वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने श्रीनगर स्थित 15 कोर का नेतृत्व किया था। राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी ने एक बार फिर से तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित 2 और लोगों की जान जाने के साथ ही 1607 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान दिल्ली में संक्रमण दर 5.28% रही। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शनिवार को यह जारी किया गया आंकड़ा है। शुक्रवार का हेल्थ बुलेटिन 1 दिन की देरी से शनिवार सुबह जारी किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने शनिवार को व्यापक बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर केंद्र पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार ने सही समाधान ढूंढ लिया है जो यात्री ट्रेन को रद्द करने और कोयला से लदी ट्रेन चलाने का है। विभिन्न राज्यों में शुक्रवार को बिजली का संकट गहराए रहा। पिछले दिन के सर्वाधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान ने इस मांग को और बढ़ा दिया है। विपक्षी दलों ने ताप संयंत्रों में कोयले की कमी के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। भारत में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 3688 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। इसमें से अकेले दिल्ली में 1607 नए मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में कल 2 लोगों की जान भी चली गई है। आपको ये भी बता दें कि देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। देश में अब तक कुल 188.89 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। औरंगाबाद में रैली का ऐलान करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को इफ्तार पार्टी का न्योता मिला है। खबर है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ठाकरे को इफ्तार के लिए आमंत्रित किया है। खास बात तो यह है कि मनसे प्रमुख की रैली से पहले औरंगाबाद में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी थी। हालांकि खबर है कि कुछ शर्तों के साथ उन्हें रैली की अनुमति मिल गई है। चीन में मेडिकल पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को अपना कोर्स पूरा करने के लिए वापस चीन जाने का मौका मिल जाएगा। शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्रालय के ऐलान के बाद चीन स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। दरअसल 2020 की शुरुआत में कोरोना फैलने के बाद बड़ी संख्या में मेडिकल छात्र भारत लौट आए हैं और उसके बाद से चीन ने वीजा निलंबित कर दिया था। तब से ये छात्र भारत में ही रह रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे थे, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई में सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई से काम नहीं चलता और इसे मान्यता भी नहीं है। देश के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली संकट भी बढ़ती जा रही है। गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ी है, पर कोयला संकट की वजह से कई राज्यों को बिजली कटौती करनी पड़ रही है। इस बीच सरकार बिजली संयंत्रों को कोयला पहुंचाने के काम समय को कम करने के लिए पैसेंजर ट्रेनों को निरस्त करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इस संकट का कोई हल नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहे रूस ने भारत के साथ व्यापारिक लेनदेन का तरीका खोज निकाला है। खबर है कि रूस ने भारत को कच्चे तेल के बदले डॉलर या यूरो में पेमेंट का विकल्प दिया है। इसके अलावा रूस ने भारत से कहा है कि वो बाकी सभी वस्तुओं और सेवाओं के बदले रुपए रूबल के एक्सचेंज रेट पर व्यापार करने को तैयार है। जानकारी के मुताबिक रशियन सेंट्रल बैंक के अधिकारियों और एसबर बैंक के प्रतिनिधियों ने मिलकर भारत में अपने समकक्ष अधिकारियों से पिछले हफ्ते इस संबंध में बात की है। इसके अलावा रूस के बैंक अधिकारियों की भारत के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से भी में बात हुई है। भीषण लू के कारण देश का एक बड़ा हिस्सा बेहाल है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और झांसी जैसे कई स्थान पर पारा 46 डिग्री को पार करते देखा गया। दिल्ली में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राजस्थान में गंगानगर, मध्य प्रदेश में नोंगोंग और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में अब तक का उच्चतम तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स को 12 से 17 साल के किशोर किशोरियों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। वहीं एनटीएजीआई ने अभी तक 5 से 12 साल आयु वर्ग के बच्चों के कोरोना टीकाकरण पर कोई निर्णय नहीं लिया है। शुक्रवार का दिन कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में एक बड़ी सफलता लेकर आया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित की गई नई कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स को राष्ट्रीय तकनीक सलाहकार ने मंजूरी दे दी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू इकदिल स्टेशन से पहले कानपुर में नई दिल्ली जा रही कोयला नदी मालगाड़ी शनिवार को सुबह डिरेल हो गई है। मालगाड़ी के 12 वैगन पलटने से रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और डीएफसी रेल रूट पर आवागमन ठप हो गई है। हादसे की जानकारी के बाद रेलवे के उच्च अधिकारी समेत तकनीकी टीम वहां पहुंच गई थी। साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण आज 30 अप्रैल को लगने वाला है। साल का पहला सूर्य ग्रहण धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण आंशिक होगा, इसके साथ ही ये भारत में नजर नहीं आने वाला। खगोल शास्त्रियों के अनुसार शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि 12:15 से शुरू होने वाला सूर्य ग्रहण सुबह 4:08 तक रहेगा। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और दक्षिणी ध्रुव लोग इस सूर्य ग्रहण को देख सकेंगे। केंद्र सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की मुश्किलें कम करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। निजी प्रतिष्ठानों और संस्थानों के कर्मचारियों को भी निकट भविष्य में सरकारी कर्मचारियों के तहत तरह ही सेवानिवृत्ति के दिन से ही पेंशन मिलेगी। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शुक्रवार को लुधियाना में पायलट प्रोजेक्ट विश्वास की शुरुआत की है। रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया जो स्टार्टअप का सपना देखने वालों की सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा चुका है, अपने दूसरे सीजन के साथ जल्द ही वापस आ रहा है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने कुछ देर पहले ही आगामी सीजन का प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। प्रोमो की शुरुआत एक आशावादी कर्मचारी के साथ होती है जो बॉस को अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और कुछ निवेश दिलाने के लिए उसे मक्खन लगाने की कोशिश करता है। हालांकि क्रूर बॉस केवल उसे भरोसा देता है। भारत सरकार ने सतर्कता डोज के लिए निर्धारित समय के अंतराल में कोई बदलाव नहीं किया है। बता दें कि सतर्कता डोज के लिए 9 महीने का अंतराल निश्चित किया गया है। सप्ताह की शुरुआत में भी संभावना जताई जा रही थी कि अंतराल को घटाकर 6 महीने कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा भारत सरकार ने नहीं किया। ये जानकारी आधिकारिक सूत्र के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने शनिवार को दी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राज्य के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने संबोधित किया है। NV रमना और प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान न्यायपालिका और कानून को मजबूत करने पर बल दिया। IIT मद्रास में हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं। अब तक यहां कोरोना संक्रमण के कुल मामलों का आंकड़ा 190 से अधिक हो चुका है। शनिवार को यहां 13 नए संक्रमितों की पहचान हुई। बता दें कि शुक्रवार को भी यहां 11 छात्र पॉजिटिव पाए गए थे। पूर्णिया के विकास में आज एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने आज देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस प्लांट के शुरू होने से सीमांचल के विकास का द्वार भी खुलेगा। 105 करोड़ रुपए की यह परियोजना किसान के लिए वरदान साबित होगी। पूर्णिया समेत सीमांचल में चारों जिले में मक्का और धान के बड़े पैमाने पर उत्पादन होने की बात कही गई है। ऋषि कपूर की दूसरी पुण्यतिथि पर नीतू कपूर पति को याद कर भावुक हो गई। वो अपने एक शो के दौरान ऋषि को याद करते हुए रोती हुई नजर आई हैं। इस बाबत दिग्गज अभिनेत्री ने एक पोस्ट किया और अपने उदास मन से कुछ गमगीन कर देने वाली बातें लिखी। नीतू ने अपने पोस्ट में लिखा, आज 2 साल हो गए हैं ऋषि जी को हमें छोड़े हुए। 45 साल के साथी को खोना मुश्किल और दर्दनाक था। उस समय मेरे दिल को ठीक करने का एक ही तरीका था कि मैं खुद को मानसिक रूप से व्यस्त रखूं। मूवी और टेलीविजन ने मुझे संभाला। ऋषि जी आपको हमेशा याद किया जाएगा, आप सबके दिलों में हमेशा रहेंगे। भारत सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में अपनी 51% हिस्सेदारी 211.14 करोड़ रुपए में स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। बता दें कि स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने इसके लिए सबसे ऊंची बोली लगाई थी, जिस पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भी अपनी सहमति दे दी है। CCEA ने पवन हंस लिमिटेड में भारत सरकार की संपूर्ण हिस्सेदारी की बिक्री के लिए मेसर्स स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की उच्चतम बोली को स्वीकार किया है। PHL और प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण की सूचना के संबंध में सरकार ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के समीप एक दूरस्थ चौकी पर तैनात एक जवान को एयरलिफ्ट करने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने एक विशेष हेलीकॉप्टर को लगाया है। ये उड़ान किसी निकासी या बचाव अभियान के हिस्से के रूप में नहीं बल्कि जवान की शादी के लिए इस्तेमाल की गई है। कौशल विकास मंत्रालय उद्योग की आवश्यकता के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र में क्षमता निर्माण के उद्देश्य से देश के शीर्ष अंतरिक्ष अनुसंधान निकाय इसरो के 4000 तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण करेगा। इसका उद्देश्य उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार इसरो के कर्मचारियों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण करना है। साथ ही प्रशिक्षण के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम का एक औपचारिक ढांचा तैयार करना है। आगामी 5 वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत इसरो अपने 4000 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगा।
औरंगाबाद में रविवार को एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे की रैली होनी है। इससे पहले शनिवार को पुणे में छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने 400 वाहनों के साथ औरंगाबाद का रुख किया। औरंगाबाद में राज ठाकरे को 16 शर्तों के साथ सभा करने की इजाजत मिली है। सभा स्थल की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। वहीं लाउडस्पीकर विवाद में राज ठाकरे को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का साथ मिला है। वो 3 मई को एमएनएस के साथ महाआरती करेंगे और लाउडस्पीकर भी बजाएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि रमजान के दौरान इतनी बिजली कटौती हो रही है। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने बिजली कटौती के अलावा कई और अहम मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा कांड पर नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर भी अपनी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से संयुक्त सम्मेलन में कहा कि देश में न्याय सबके लिए सुलभ हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का ये संयुक्त सम्मेलन हमारी संवैधानिक खूबसूरती का सजीव चित्रण है। हमारे देश में जहां एक तरफ जुडिशियरी की भूमिका का संविधान संरक्षण की है, वहीं विधानमंडल नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। योगी 2.0 सरकार के सत्ता में आते ही अवैध अतिक्रमण और ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस क्रम में धर्मस्थलों पर तय मानकों का उल्लंघन करने वाले अवैध लाउडस्पीकर को हटवाने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार तक अभियान के तहत धर्मस्थलों से कुल 45,773 अवैध लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं, जबकि 58,000 से अधिक लाउडस्पीकर की आवाज कम कराई गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने यस बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने मुंबई और पुणे में शनिवार को मामले से संबंधित संदिग्ध लोगों के 8 ठिकानों और कार्यालयों पर छापे मारे। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान यहां से कई दस्तावेज भी जब्त जांच एजेंसी के द्वारा किए गए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, सत्यम पांडे, सुवेश कुमार, अभिमन्यु कुमार मंडल, ध्रुव कुमार, जितेंद्र कुमार, सुनील कुमार सिंह, एडी आर्या क्लासेस, रिशु सिंह, रंजीत मिश्रा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस बार के आईपीएल सीजन में वर्तमान समय में सभी मुकाबलों को देखते हुए कौन सी टीम इस बार की प्रबल जीत की दावेदार आपको नजर आ रही है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।